लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं रीना खान, आप देख रहे हैं वॉइस टीवी पर, आपका स्वागत है। श्री राम कॉलोनी का विकास अधर में लटका, नगर निगम में शामिल न कहीं अन्यत्र। बताया जा रहा है कि विधायक, मेयर व अधिकारियों ने दिया सिर्फ आश्वासन का झुंझुना, बोले उपचुनाव से पहले हल ना होने पर करेंगे बड़ा आंदोलन। फिरोजाबाद शहर के क्षेत्र श्री राम कॉलोनी का जब मीडिया टीम ने निरीक्षण किया तो पाया यहां कोई विकास नहीं हो रहा, ना इसे नगर निगम में शामिल किया गया और ना ही कहीं अन्यत्र। बातचीत पर क्षेत्रीय बसिंदों का कहना था कि पहले ये क्षेत्र टापा खुर्द में था, सीमा विस्तार में अलग हुआ, अब यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। बीते दिनों भूख हड़ताल भी की गई, तब नगर विधायक, मेयर व अधिकारी भी आए थे, केवल आश्वासन का झुंझुना दिया, कोई भी मांग नहीं मानी। श्रीराम कॉलोनी को नगर निगम में शामिल नहीं किया गया, जिस कारण कोई विकास नहीं हुआ। बताया कि हमारी श्रीराम कॉलोनी कोई भी कार्य नहीं हुआ। मेयर साहब आई थी और डीएम, सारे अधिकारी आए थे, लेकिन उन्होंने केवल आश्वासन का झुंझुना दिया, इसके अलावा कोई कार्य नहीं। निगम के अधिकारियों की वजह से उनकी गलती की सजा हमें भुगतनी पड़ रही है। उन्होंने अपनी गलती की सरकारी जो फाइलें बनाई, सीमा विस्तार में जो शासन को रिपोर्ट भेजी, उसमें इन्होंने शासन को रिपोर्ट भेजने में हमारी श्रीराम कॉलोनी को शामिल नहीं किया और इसको काट करके उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। हमारे यहाँ नाली, बिजली, पानी, सड़क किसी प्रकार का कोई साधन नहीं। फिरोजाबाद के कई प्रतिनिधि आपके यहाँ आए, आपको बोला भी होगा, आपकी समस्याओं का निदान भी किया होगा। अभी कुछ दिन पहले मेयर नूतन राठौर जी ने यहाँ उद्घाटन भी किया था नाले का, क्या बोल के गई थी उन्होंने? मेयर साहब ने उद्घाटन किया था नाले का, बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने अपनी हद में काम कराया। हमारे श्रीराम कॉलोनी में कोई कार्य नहीं हुआ है और कई बार हमने मेयर साहब से बात की तो उन्होंने यही कहा है कि हमने शासन को लिखा है, शासन से जो भी स्वीकृति आएगी हम उस पर काम करेंगे, लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं आ रही है। तो मेरा सबसे, जितने भी राजनीतिक जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी अफसर हैं, मेरा उनसे यही कहना है कि अगर उपचुनाव से पहले टुंडला विधानसभा का उपचुनाव होना है, एक सरकार का सदस्य यहाँ से लखनऊ जाएगा, तो मेरा उनसे सबसे निवेदन है, विनती है कि उपचुनाव से पहले हमारी श्रीराम कॉलोनी को कहीं जोड़ दिया जाए, या तो हमें गांव में शामिल कर दिया जाए या फिर नगर निगम में। वैसे नगर निगम की सीमा है तो नगर निगम में ही शामिल करें तो ज़्यादा बढ़िया है, और अन्यथा अगर ये उपचुनाव से पहले अगर हमारा ये क्षेत्र शामिल नहीं होता है नगर निगम में, तो हम एक बहुत बड़ा विकराल आंदोलन करने जा रहे हैं, और हमारे साथ जो भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन, शासन, राजनीतिक लोग मुकदमा लगवाएंगे, जेल भिजवाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। जो भी होगा हम सहने के लिए तैयार हैं, क्योंकि तड़प तड़प के मर रहे हैं हम, तो इससे ज़्यादा थोड़ा थोड़ा मरने से बेहतर है एक बार मर लिया जाए। क्या नाम है आपका? निर्मला। किस तरह की समस्याएं और कहाँ पे हैं, कहाँ रहती हैं आप? यहाँ पे निकलने की समस्या है। कहाँ रहती हैं, कहाँ हैं आप? श्रीराम कॉलोनी में। किस तरह की समस्याएं हैं यहाँ पे? बच्चों की भी परेशानी, स्कूल में जाते हैं फिसल जाते हैं, पैरों में गिर जाते हैं, पानी में भिज जाते हैं। सड़कें वगैरह हैं? सड़कें वगैरह नहीं, नालियाँ भी नहीं है, पानी वगैरह, पानी की व्यवस्था भी नहीं, निकलने की, पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पे। आपने किसी उच्च अधिकारी से इसके बारे में बात की? हाँ, कोई आया यहाँ पे? आए हैं।